What's up guys, Twenzy here. Growing skin in 7 days, possible है? बिल्कुल 5 जबरदस्त टिप्स गाइस आज मैं आपको देने वाला हूँ और कुछ अलग होगा, कुछ असरदार, इफेक्टिव, वो सब नहीं कि मुंह धो के क्रीम लगा लो, डोंट वरी। और उसको 7 डेज तक गाइस आप फॉलो करो और रिजल्ट आके वापस इसी वीडियो पे कमेंट करना। लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्लीन योर स्टमक। सबसे पहले ये समझो कि ये ग्लोइंग स्किन, ग्लास स्किन, इसके पीछे पागल होना बंद करो। अगर सिर्फ ग्लो ही चाहिए, चमकता हुआ चेहरा ही चाहिए तो मेकअप करो ना। एक हेल्दी स्किन गाइस ऑटोमेटिकली ग्लो करती है, तो हेल्दी स्किन इज इक्वल टू ग्लोइंग स्किन। और हेल्दी स्किन की स्टार्टिंग होती है आपके पेट से। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपका स्टमक साफ नहीं है ना तो दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट लगा लो वो असर नहीं करेगा, और करेगा भी तो वही कुछ हफ्तों के लिए, उसके बाद स्किन वापस वैसी की वैसी। और हेल्दी स्टमक की स्टार्टिंग होती है आपके सोने की पोजीशन से। गाइस जब आप लेफ्ट साइड को टर्न करके सोते हो तो आपके स्टमक में जो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिंस होते हैं वो माइग्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब आप सुबह लघुशंका जाते हो हल्के होने के लिए तो आपका पेट जो है वो अच्छे से साफ होता है, यानी कि टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं। और अगर आप इसका उल्टा करते हो यानी कि राइट साइड को टर्न लेके सोते हो तो इसका इफेक्ट भी उल्टा होता है। एंड वन मोर थिंग, ये मॉर्निंग जूस, ये है हल्के वार्म वाटर में हाफ लेमन जूस। विटामिन सी भी आपको अच्छा मिलेगा और स्टमक भी अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है। और ये फ्री रेडिकल डैमेज नाम की एक चीज होती है हमारी बॉडी में, उससे भी फाइट करने में हेल्प करता है, प्लस आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी बढ़ाता है। लगाओ एक पैग रोज सुबह। ओके, नंबर 2, फेशियल योगा। इसके फायदे अगर मैं आपको बताने बैठूं तो ये वीडियो 30 मिनट या फिर उससे भी ऊपर की बनेगी। लेकिन ऐसा समझो कि हम नॉर्मल एक्सरसाइज या फिर योगा अपने शरीर के लिए क्यों करते हैं, हमारी मसल टोन अप हो, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तो ये प्रोटोकॉल आपके फेस के लिए भी सेम है। गाइस हमारे फेस के ऊपर भी अलग अलग मसल्स होती हैं जो कि समय के साथ टोन अप रहे, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा रहे तो आपके फेस के ऊपर ग्लो भी रहेगा और ये एजिंग को भी स्लो करेगा। 3 फेशियल योगा मैं आपको बता रहा हूँ, कल मॉर्निंग से स्टार्ट करो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको करने में। नंबर 1, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आपको फेस को इस तरीके से पॉइंट करके जितना हो सके उतनी सांस अंदर लेनी है और उसके बाद ब्रीद आउट करना है। ये बेसिकली आपकी चिक मसल को टोन अप करने के लिए है। 5 टाइम्स गाइस आपको इसको रिपीट करना है। ओके, सेकंड है आपके ओवरऑल फेस के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। सिंपली अपने मुंह में सांस भर के जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। एंड अगर आप इसको थोड़ा एडवांस करना चाहते हो तो आप ऐसे सर को नीचे की तरफ बेंड भी कर सकते हो, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। जिनकी स्किन जो है वो थोड़ी ज्यादा फेयर होगी, आप देखोगे कि सिर्फ 10 सेकंड में आपका पूरा फेस रेड हो जाएगा। लगभग 15 सेकंड तक गाइस आपको इसको होल्ड करना है और 3 से 4 रेपिटेशन आप इसके लगा सकते हो, करके देखो, बहुत इफेक्टिव है। नंबर 3 है हमारी जॉ लाइन के लिए। जॉ लाइन सबको चाहिए। सेल्फी पाउट पता है ना क्या होता है? नहीं पता है तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो। सिंपल है गाइस, फेस को अप करके पाउट बनाओ। आप देख सकते हो कि जॉ लाइन के सारे पार्ट पे और सारी मसल पे एक स्ट्रेच आ रहा है, और इसको आप जो है वो 1 से 2 मिनट तक कर सकते हो। वैसे आपको पता है मेरे फेस पे ग्लो कब आता है? जब आप लाइक बटन दबाते हो। कम ऑन बॉयज, हिट द लाइक बटन, टारगेट है 1000 लाइक्स का, करवा दो फिर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं कर रहे गाइस, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक भी जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन। टिप नंबर 3, डे नाइट स्किन केयर रूटीन। अगर गाइस आपकी एज 24-25 या फिर उससे ऊपर है तो टाइम आ गया है रेगुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का। मोस्टली लोगों को इसी एज ग्रुप में कंप्लेंट रहती है कि यार फेस से ग्लो चला गया, फेस पे ग्लो नहीं है। भाई इसीलिए नहीं है कि आप केयर नहीं कर रहे और स्किन अब केयर मांग रही है। और जो इससे कम एज ग्रुप वाले हैं, 18, 20, 22 वाले, ज्यादातर वही है मेरे चैनल के ऊपर, अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो और भी अच्छा है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आप फेस वॉश या फिर फेस क्लींजर यूज करोगे, इस तरीके से फेस को साफ कर लोगे। सेकंड स्टेप आप जो है वो टोनर लगाओगे। मैं यहाँ पे जो है वो ग्रीन टी वाला टोनर यूज कर रहा हूँ अपने स्किन के हिसाब से, क्योंकि मुझे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। आप चाहो तो नॉर्मल रोज वाटर भी यूज कर सकते हो। थर्ड स्टेप है गाइस सीरम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लो के लिए विटामिन सी वाला सीरम जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। एंड देन मॉइस्चराइजर, ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो आपने फेस पे लगाए हैं उसको लॉक करता है और आपके फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट स्टेप सनस्क्रीन, प्रोटेक्शन के लिए। गर्मियां हो, सर्दियां हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, आपको ये लास्ट स्टेप लगाना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये है आपकी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। इसके बाद चाहो तो आप मेकअप वेकअप कर सकते हो, अगर आप करते हो तो। अब चलते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन पे। इसमें सारे स्टेप सेम है, बस टोनर को आपको जो है वो चाहो तो स्किप कर सकते हो, और सनस्क्रीन आपको रात में लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब पहला स्टेप आप क्लीन करोगे, सेकंड स्टेप आप सीरम यूज करोगे, एंड थर्ड स्टेप आप मॉइस्चराइजर यूज करोगे। और अगर आप एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हो तो एक नाइट क्रीम भी डेडिकेटेड ऐड कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि किसी की स्किन ड्राई है, किसी की कॉम्बिनेशन है, और किसी की ऑयली है। तो अब सबके लिए सेम प्रोडक्ट तो हो नहीं सकते, तो सबका लाइन वाइज लिंक, ऑयली वाले को ये लेना है और ड्राई वाले को ये लेना है। मैं सबका लाइन वाइज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर अपने लिए डेडिकेटेड प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये किसी ब्रांड से, ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद यूज करता हूं। टिप नंबर 4, क्लीन योर लिप्स। फेस हीरे की तरह चमका रखा है और जो होंठ है वो कोयले की तरह।
क्या बात है, लड़कियां तो लिपस्टिक लगा लेंगी लेकिन अपने लड़के क्या करेंगे? टिकटॉक वाले होंगे तो वो तो लिपस्टिक भी लगा लेंगे। दो चीजें करनी है आपने बस, हल्का सा हनी, थोड़ी सी शुगर और आपका लिप स्क्रब रेडी। इसको एक मिनट के लिए हल्का सा स्क्रब करो। सेकंड स्टेप, अप्लाई एनी नॉर्मल लिप बाम। बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, आप कोई भी ले लो, बस नेचुरल होना चाहिए। केमिकल वाला होगा तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिप्स को और काला करेगा। एक दो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सस्ते आते हैं लिप बाम। और लिप्स ही तो हैं, सोच के इग्नोर मत करना, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल फेस को अच्छा दिखाने में। और इसके अलावा नॉटी अमेरिका बनना बंद करो, यानी कि अपनी जो लिप लिकिंग या फिर लिप बाइटिंग आप जो है वो अपने दांतों से करते हो वो करना बंद करो। एंड क्विट स्मोकिंग फॉर गॉड्स सेक, क्विट। और अगर कोई लड़की देख रही है तो डार्क लिपस्टिक को थोड़ा सा अवॉइड करो या फिर लिप बाम अप्लाई करके ऊपर से लिपस्टिक लगाओ। टिप नंबर 5, बैलेंस डाइट। मैंने जो है वो सुपर फूड वर्ड को रिप्लेस कर दिया है बैलेंस डाइट से, बताता हूँ क्यों। अब गाइस ये प्रैक्टिकल फैक्ट है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है बहुत उबड़ खाबड़ है। मैं आपको बोलूं कि डेली जो है वो बेरीज काट के खाओ, डेली जो है वो बीटरूट काट के खाओ, डेली ग्रीन जूस खुद से बना के पियो। ऑनेस्टली आप में से कुछ लोग होंगे जो एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता इसको फॉलो कर भी लें क्योंकि मोटिवेशन होता है बंदे के अंदर, लेकिन उसके बाद बंदा फिर अपने रूटीन पे। वीडियोस के अंदर सुनने में बहुत सारी चीजें आसान लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल होती हैं। आई नो। तो ये सुपर फूड वाले चक्कर के बजाय मैं चाहता हूँ कि आप वो करो जो आप कर सकते हो, डाइट को बैलेंस करो। आपको पता है अच्छी स्किन के लिए मैं आपको जंक फूड अवॉइड करने के लिए या क्विट करने के लिए बोलूंगा, लेकिन बाय चांस आपने दिन में एक बार खा भी लिया तो सेकंड टाइम चाहे आपको कोई 1,00,000 रुपए का इनाम भी क्यों ना दे रहा हो, 1,00,000 दे रहा हो तो फिर चले तू। जोक्स अपार्ट, लेस जंक फूड, मोर हेल्दी फूड, जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स, जो सीजन के फ्रूट्स हैं ज्यादातर इनको खाने की कोशिश करो। अगर आपका मीठा खाने का दिल करता है तो आप जो है वो सीजन में फ्रूट जो मीठे हैं वो खाओ बजाय के ये इस तरीके की चीजें खाने के। कहने का मेरा सीधा मतलब ये है कि डाइट को बैलेंस करो, कोई भी चीज ज्यादा ओवर नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दैट्स इट। ये 5 टिप्स कल से कौन कौन फॉलो कर रहा है? क्वेश्चन ऑफ द डे यही है, येस और नो आपके ऑप्शन है, नीचे कॉमेंट जरूर करना। और गाइज अगर आप डार्क स्पॉट से परेशान हो तो जाकर ये वाला वीडियो देखो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस। यू कैन डू एनीथिंग।